बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड को एक के बाद एक हिट फिल्में भी दी है। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्मों के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको दीपिका पादुकोण की लव लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं। दीपिका पादुकोण का रणवीर सिंह से शादी करने से पहले कई स्टार से नाम जुड़ा था। एक स्टार को तो दीपिका पादुकोण ने सबके सामने किस भी कर दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है निहार पांड्या का। निहार पांड्या को दीपिका पादुकोण का पहला प्यार बताया जाता है। खबरों के मुताबिक दीपिका पादुकोण और निहार पांड्या की मुलाकात साल 2005 में एक्टिंग स्कूल में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे को 3 साल तक डेट किया था, लेकिन बॉलीवुड में फेमस होने के बाद दीपिका अपने पहले प्यार से दूर हो गई। दूसरा नाम जो इस लिस्ट में आता है वह युवराज सिंह का। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और क्रिकेटर युवराज सिंह के अफेयर की खबरें भी सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवराज और दीपिका को पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था, लेकिन इन दोनों ने कभी इसको लेकर खुलकर बात नहीं की। तीसरा नाम जो इस लिस्ट में आता है वह मुजामिल इब्राहिम का। दीपिका और एक्टर मुजामिल के अफेयर की खबरों ने सबको हिला कर रख दिया था। खबरों के मुताबिक इन दोनों का अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद ये दोनों अलग हो गए थे। चौथा नाम जो इस लिस्ट में आता है वह सिद्धार्थ माल्या का। दीपिका पादुकोण और विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के अफेयर के चर्चे तो हर तरफ थे। दीपिका और सिद्धार्थ को कई बार साथ में स्पॉट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ ने एक बार सबके सामने दीपिका पादुकोण को किस कर लिया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। पांचवा नाम जो इस लिस्ट में आता है वह एमएस धोनी का। दीपिका पादुकोण का नाम खाली क्रिकेटर युवराज सिंह से ही नहीं बल्कि एमएस धोनी से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इसको लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। छठा नाम जो इस लिस्ट में है वह उपेन पटेल का। दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल के अफेयर की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन इन दोनों का अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों ने अपने अफेयर को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की। सातवां नाम जो इस लिस्ट में आता है वह रणबीर कपूर का। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का अफेयर काफी चर्चा में रहा था। खबरों के मुताबिक इन दोनों ने एक दूसरे को 3 साल तक डेट भी किया था। दीपिका की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो रणबीर कपूर को किस करती दिखाई दी थी, लेकिन जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तब सब हैरान हो गए थे। आठवां नाम जो इस लिस्ट में आता है वह रणवीर सिंह का। इन सब के बाद दीपिका पादुकोण का नाम रणवीर सिंह के साथ जुड़ा। इन दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद भी किया। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था और इसी के साथ एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2018 में शादी की। इन दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। तो दोस्तों, आपको दीपिका पादुकोण की अफेयर्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।